लेकिन फैंटासी को क्या है कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया ना कि गेम स्किल है, ये सोचे बिना कि चलो, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको इलीगल करो, मैं ये बोल रहा हूँ इसको पूरी तरह लीगल करो, या एटलीस्ट अगर आपको नहीं करना है तो कहीं पे ऐसा लॉ बना दो कि ये इलीगल है, और है तो क्यों है। अब कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो दो लाइन तो फिक्स है, हवाला रैकेट, मनी लॉन्ड्रिंग, और सबसे फेवरेट, ये पैसा दाऊद को जा रहा है। समझदार को इशारा काफी है कि जब एक ओवर में 32 आ जाए, 30 बॉल में 25 ना आए, तो समझदार आदमी को सब पता चलता है क्या चल रहा है, सर्कस क्यों चल रहा है, एंड तक चल रहा है। मेरी CBTF फाउंडेशन की वेबसाइट पे कोई डोनेट बटन नहीं है, ना ही कोई बैंक अकाउंट है, हम पैसे लेते नहीं है, ठीक है। हम ठक्कर है, जलाराम बापा के वीरपुर वाला सिद्धांत है, पैसे लेंगे नहीं, जितने हमारे पास है उतने से करेंगे। क्रिकेट मैच और सट्टेबाजी का रिश्ता दशकों से चला आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट हो या IPL, पुलिस और सट्टेबाजों के लिए यह बड़ा त्योहार होता है। पुलिस क्रिकेट सट्टेबाजी नेटवर्क को पकड़ने के लिए मुखबिरों को मुंहमांगी रकम देती है। गुजरात पुलिस ने पिछले एक दशक में न जाने कितने सट्टेबाजी के मामले दर्ज किए हैं, लेकिन वो शायद उनको भी मालूम नहीं होगा। क्रिकेट सट्टेबाजी का यह नेटवर्क आज भी उसी रफ्तार से चल रहा है। क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल पंटर से लेकर पुलिस अधिकारियों तक हर कोई CBTF के किंग को जानता है। यह इकलौता बुकी है जो किसी से नहीं डरता। कौन है यह ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का बादशाह? अमित मजीठिया उर्फ अमित CBTF। अमित मजीठिया मूल रूप से गुजरात के कच्छ गांधीधाम के आदिपुर के रहने वाले हैं। हालांकि अमित मजीठिया का मौजूदा पता दुबई है। अमित के खिलाफ कच्छ समेत प्रदेश भर में कई अपराध दर्ज हैं। पिछले अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक सूरत और अहमदाबाद शहरों में दर्ज हजारों करोड़ के क्रिकेट सट्टे के मामले में पुलिस ने अमित मजीठिया समेत बाकी सट्टेबाजों के नामों का खुलासा किया है। अमित समेत ज्यादातर सट्टेबाजों की पुलिस को तलाश है। अमित मजीठिया के क्रिकेट सट्टे के अलावा भी कई धंधे हैं। मजीठिया दुबई में क्लब बिजनेस, CBTF टूरिज्म, CBTF फाउंडेशन और BCC म्यूजिक फैक्ट्री जैसे कई उपक्रमों को चलाता है। गुजरात पुलिस के रिकॉर्ड्स में कई सट्टेबाज फरार हैं। जो सट्टेबाज हमेशा अपना मुंह छिपाए फिरते हैं, जबकि अमित मजीठिया समय समय पर उनके YouTube चैनल पर आते रहते हैं। दुनिया का पहला टिप्पर होने का दावा करने वाले अमित मजीठिया के Instagram पर करीब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। क्या अमित मजीठिया वास्तव में अहमदाबाद सूरत से पकड़े गए सट्टा रैकेट में शामिल है, और यह सट्टा रैकेट कैसे और किसके आशीर्वाद से चलाया जाता है? इन सभी तथ्यों को जानने के लिए OTT इंडिया और गुजरात फर्स्ट की टीम ने सबसे पहले अमित मजीठिया से संपर्क किया और टीम पहुंची दुबई। भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है क्रिकेट करप्शन और क्राइम की। आज हम ऐसी कई सारी जानी अनजानी बातें जानेंगे जो CCC से जुड़ी हुई है। हमारे साथ हैं ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा किंग अमित मजीठिया उर्फ अमित CBTF। अमित भाई, पहला सवाल यह है कि ये जो ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा बैटिंग का कारोबार जो चल रहा है, तो आपने कब शुरू किया और कैसे चलाते? एक्चुअली हमने शुरू किया ये तो नहीं कह सकते, 2011 में हम एज अ क्रिकेट प्रेडिक्टर एंटर हुए थे इस इंडस्ट्री में। तब इंडिया में या ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में कोई स्पेशलिस्ट क्रिकेट टिपर नहीं था, कि जैसे शेयर बाज़ार कैसे खेलना है एक्सपर्ट लोग उसमें आपको टिप देते हैं, राय देते हैं, उसी तरह से कॉमोडिटी में भी होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना, जो लोग ऑलरेडी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, और मेरा एक्चुअली तब जो फॉलोअर्स थे वो सिर्फ इंडिया से नहीं थे, क्योंकि इंडिया में तो बैटिंग लीगल है या इलीगल वही अब तक किसी को नहीं पता है, लेकिन मेरे जो जो देश में जो जो कंट्री में लीगल है, लाइक लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, या जहाँ भी लीगल है, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
जो भी देशों में थे वो लोग फॉलो करते थे, और वो लोग भी करते थे जो बैटिंग को फॉलो नहीं करते हैं, वो जानना चाहते थे कि क्रिकेट में होता क्या है, और सिक्स सेंस कह लो या एक्सपीरियंस कह लो कि पता चल जाता था, या स्टेट्स को एक अच्छी तरह से स्टडी करने वाला, तो क्या है कि हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी पिच कैसी है, कौन सा ग्राउंड कैसा है, या कौन सा प्लेयर किस दिन क्या कर सकता है, और थोड़ा सिक्स सेंस है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था ब्रांड CBTF, क्रिकेट बैटिंग टिप्स फ्री डॉट कॉम के नाम से। फर्स्ट तो फेसबुक पेज था, उसमें स्टार्टिंग मंथ में हमारे 50 फॉलोअर थे एक मंथ के, और नेक्स्ट ईयर सीधा डेली के 25,000 हो गए थे। तो कहाँ मंथली 50 और डेली 25,000 हो गए थे 2012 में। तो उसके बाद जब 4-5 साल हुए तो हमने देखा कि इंडिया में बैटिंग लीगल है या इलीगल किसी को पता नहीं है, बरोबर, और जबकि क्या है कि कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जो इसको इलीगल बोलता हो। तो एज अ रूल देखो ना, तो जो भी चीज़ के लिए लॉ नहीं है, जैसे ड्रग्स के लिए लॉ है कि भाई ये ड्रग्स इलीगल है, तो वो इलीगल है क्योंकि उसके लिए लॉ है। हर चीज़ के लिए लॉ है, लेकिन इसके लिए लॉ नहीं है, ऑनलाइन गेमलिंग के लिए, ऑनलाइन बेटिंग के लिए कोई लॉ नहीं है, तो उसको इलीगल भी नहीं बोल सकते, लीगल भी नहीं बोल सकते। तो जब जाके हमने देखा कि यार लोग तो यहाँ से लंदन की वेबसाइटों पे भी खेल रहे हैं, Bet365 पे, Betfair पे, बहुत सारी वेबसाइटें, नाम लूँगा तो सुबह हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो हमने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम भी कोई ऐसा कुछ स्टार्ट करें। तो हमने CBTF स्पीड न्यूज़ नाम से चालू किया हमारा प्रोडक्ट, जिसमें लोगों को फ्री में स्टैट्स देखने मिलते हैं, वो अपनी फैंटासी टीम कैसे बनानी है उसकी टिप्स लेते हैं, हम टेलीग्राम पे भी टिप देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी टिप देते हैं। उस तरह से हमने एज अ क्रिकेट प्रेडिक्टर, क्रिकेट एनालिस्ट का काम स्टार्ट किया 2011 से लेकर 2016 में। अमित भाई, ये जो भारत में जो ये कारोबार है जो क्रिकेट सट्टा, उसको गैर कानून माना जाता है, तो फिर भी आप ये कारोबार से क्यों जुड़े हुए हैं? देखिए, माना जाता है वो अलग बात है, ये सिंपली बताऊं तो कैसा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं कि गलत है, ठीक है, फिर भी वो करते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि इसको लेके जब कोई लॉ नहीं है, जब तक संविधान में ये लिखा नहीं है कि ऑनलाइन बेटिंग इज इलीगल इन इंडिया, तब तक मैं कैसे मान लूँ? सीधी सी बात है ना, अगर मैं जिस देश में रहता हूँ, ठीक है, चलो अभी नहीं रहता हूँ लेकिन पहले रहता था, मान लो अगर मैं किसी देश में रहता हूँ और वहाँ का लॉ मुझे बोलता है कि, जैसे मैं अभी दुबई में हूँ, ठीक है, आप अपन दुबई में बैठे हैं, यहाँ के संविधान में लिखा है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन बेटिंग या किसी भी तरह की गैम्बलिंग यहाँ पे इलीगल है, तो वो लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पे कोई क्लियर लॉ नहीं है, हमारे यहाँ पे कैसा है कि खुद वो लोग ही कन्फ्यूज है। तो दुबई से आप कारोबार चला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो और भी बिजनेस है ना, हम सिर्फ ये नहीं, हमारा जो मेन है लाइसेंस से है, हमारा पूरा गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग का जो बिजनेस है वो लाइसेंस का है, लेकिन लाइसेंस होता है हमारे पास यूरोप का, लाइक कुरासाओ का, ठीक है, तो वहाँ का हमारे पास लाइसेंस होता है, वहाँ हमारे वकील होते हैं, हम वहाँ पे टैक्स भरते हैं। अब हमारी वेबसाइटों पे तो लिखा है क्लियर कि भाई अगर आपके देश में लीगल है तो ही आप खेलिए, +21 है तो ही खेलिए, नीचे पूरा लिखा होता है गैम्बलिंग इज एडिक्टिव, आपके लिए नुकसानकारक है, सेम लाइक सिगरेट, बॉक्स के ऊपर लिखा है कि कैंसर होगा फिर भी लोग पीते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि इंसान की खुद की चॉइस होती है, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में ये चीज़ नहीं है, बचपन से आदमी पत्ते भी खेलता है। अब फैंटासी का नाम ही ले लो, अब फैंटासी के नाम पे गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा है, बोलते हैं तो गेम ऑफ स्किल है, कैसे गेम ऑफ स्किल है, तो फिर ये जुआ कैसे और वो गेम ऑफ स्किल कैसे? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पब्लिक को भी यही बताना चाहता हूँ कि ये सब बातें हैं ना, किसी लोगों ने, बड़े लोगों ने लोगों को, किसी को पैसे दे के लाइसेंस ले लिए कि भाई आप इसको लीगल कर दो, रमी लीगल हो गई, पोकर लीगल हो गया, फैंटासी लीगल हो गई, और ये जो है क्रिकेट बैटिंग बोल लें, क्रिकेट गेमिंग बोल लो, हम तो गेमिंग ही बोलते हैं, क्यों, सीधी बात है, फैंटासी में भी आप प्लेयर चॉइस करते हो कि विराट कोहली कितना रन करेगा, रोहित शर्मा कितना रन करेगा, और इस आईडी में भी आपको यही करना होता है कि वो 28 करेगा कि नहीं, 28 नहीं करेगा कि नहीं, यस योर नो, दो ही ऑप्शन होते हैं, आप पैसे लगाते हो, बरबर, उसमें से कुछ छोटी सी कमीशन 1% 2% एक्सचेंज ओनर को जाती है, वो फैंटासी में तो 10% जाती है। पब्लिक का कितना नुकसान है कि फैंटासी में दो आदमी हज़ार रुपये डालते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, जो 2000 जीतता है उसमें से 200 कट जाता है, यानी आपकी विनिंग पे 20% मार्जिन जा रहा है, उसमें से गवर्नमेंट को क्या जा रहा है मुझे नहीं पता है, वो लोग कितना सच्चा दिखाते हैं कितना झूठा दिखाते हैं। आज हमारे देश में तो आपको पता है कि अगर वो कंपनी 1,000 करोड़ कमा रही होगी तो इधर उधर करके गवर्नमेंट को तो 100 ही दिखा रही होगी, तो गवर्नमेंट को तो क्या मिल रहा होगा। और यही अगर ऑनलाइन बेटिंग जितने भी देशों में लीगल है, सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग इंडिया के हैं जो विदेश की वेबसाइटों पर खेलते हैं, और फैंटासी में 15 करोड़ लोग खेलते हैं आज की डेट में, जो ऑफिशियल डेटा है। तो अगर आप सोचो कि पोटेंशियल 15 करोड़ में से 6-7 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग में भी खेलते हैं पूरे वर्ल्ड की साइटों पे,
वो अगर लीगल हो जाए, हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम सोर्स जो है ना इंडिया की, हमारे जीडीपी को कहाँ पहुँचा देंगे, मैं बोलूँगा तो मजाक लगेगा, आज नहीं अभी शायद ये बात आपको मजाक लगेगी, 2-3 साल बाद जब ये चीज़ लीगल हो जाएगी और गवर्नमेंट के हर साल फिगर्स आएंगे, आप खुद देखना कि ये हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट करता है और इससे रोज़गार भी कितना पैदा होता है। आज भी है करोड़ों लोगों के खेलने की वजह से फैंटासी में या हमारी गेमिंग इंडस्ट्री में हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिला है, तरह तरह के मार्केटिंग वालों को इतना रोज़गार मिला है, इंडिया में मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई गेमिंग की वजह से। कल को जो रिक्शा वाला, एक गरीब रिक्शा वाला मान लो कि कल रिक्शा ऐसे ही चलाता था, उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते थे, अब वो रिक्शे वाले के पीछे ऐड लगती है, महीने का 500,000 रुपया उसको मिलता है, टैक्सी वाले को 2,000 मिलता है, ऐसी तो मतलब मैं कितनी चीज़ें बता सकता हूँ कि जिसकी वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से रोज़गार भी पैदा हुई है। ये फैंटेसी क्रिकेट गेम है जिसमें बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं सौरव गांगुली, उस समय जब चेयरमैन थे तभी वो ब्रांड एम्बेसडर थे, अभी भी वो ब्रांडिंग कर रहे हैं कई अलग अलग ब्रांड के फैंटेसी गेम वेबसाइट के, भारतीय क्रिकेटर भी है, तो आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है और कैसे उसके साथ डील होती है? देखिए हमारी बहुत सारी ब्रांड है, जैसे मेन ब्रांड है CBTF, तो हमने फिल्म स्टार रखे इमरान हाशमी जी को हमारे CBTF स्पीड न्यूज़ के ब्रांड एम्बेसडर रखा है, अभी हमारा शंकर स्पोर्ट्स न्यूज़ सब, आईपीएल के जो करंट क्रिकेटर है मनीष पांडे, वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर है। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है वो हमारी प्रोडक्ट है कि जहाँ जाके आप टिप्स देख सकते हैं, स्टैट्स देख सकते हैं, फैंटासी टीम बनाने से पहले आप उसमें गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे बनानी है, किस ग्राउंड का साइज़ क्या है, कैसा वेदर है, तो हम लोग भी रखते हैं ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटरों को। लेकिन फैंटासी को क्या है कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया ना कि गेम मुश्किल है, ये सोचे बिना कि चलो, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको इलीगल करो, मैं ये बोल रहा हूँ इसको पूरी तरह लीगल करो, या एटलीस्ट अगर आपको नहीं करना है तो कहीं पे ऐसा लॉ बना दो कि ये इलीगल है, और है तो क्यों है, एक्सप्लेन करके दिखाओ कि गेम ऑफ स्किल नहीं है, कैसे नहीं है, ये इजी थोड़ी है। अगर आप आईडी पे जाते हो ऑनलाइन गेमिंग की आईडी पे, मैच में कितने चौके आएंगे, कितने छक्के आएंगे, आज स्कोर कितना बनेगा, ये सब आपको बताना होता है, ये गेम ऑफ स्किल है। उसका रीज़न बताता हूँ, आप ग्राउंड को स्टडी करते हो, प्लेयर का पास्ट परफॉर्मेंस स्टडी करते हो, ग्राउंड का डायमेंशन क्या है, साइज़ क्या है, आज पिच कैसी रहेगी, वेदर कैसा रहेगा, बॉल स्विंग होगा कि नहीं, ये सब सोच के पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये गेम ऑफ स्किल हुआ ना, ये कैसे गेम ऑफ चांस हुआ? चांस वो है जो टॉस उछाला, अगर टॉस पे पैसे आप अगर लगाते हो कि भाई टॉस कौन जीतेगा, तो वो ठीक है, वो जुआ है, वो गेम ऑफ चांस है, लेकिन ये तो गेम ऑफ स्किल है मेरे हिसाब से। क्रिकेट का नॉलेज भाई, जैसे आप शेयर बाजार में दिमाग से पैसा लगाओ तो पैसे कमा सकते हो, कंपनी की रिसर्च करके लगाओ तो पैसे कमा सकते हो, कमोडिटी में आप सोच के लगाओ कि यार वेदर ऐसा है, हो सकता है यहाँ पे 2 महीना बारिश पड़ेगी तो ये चीज़ इतनी कम उगेगी, इतनी ज़्यादा उगेगी, देश में इस चीज़ की खपत ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। जैसे आपको पता हो कि भाई, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में NCDS में चलता है बाजरे का सट्टा, गेहूँ का सट्टा, आलू का सट्टा, हर चीज़ पर ही सट्टा चलता है, तो हाँ, तो वो कौन सा गेम ऑफ स्किल है? फिर भी गवर्नमेंट ने लीगल करके रखा है ना, कि जो आदमी को कुछ नॉलेज ही नहीं है, बरोबर, आज एक आदमी अपने घर में कितने आलू खाता है, 0.5 किलो, 1 किलो, महीने के 15 किलो आलू खाता है पूरी फैमिली मिलके, तो वो क्या करने के लिए 20,000 किलो आलू खरीद रहा है, 10 ट्रक आलू खरीद रहा है या बेच रहा है, तो ये जुआ नहीं है तो क्या है? आपका जो कारोबार है वो करोड़ अरबों रुपए का है, तो इसमें जो पैसे लगते हैं वो पैसे का ट्रांजेक्शन कैसे होता है? ट्रांजेक्शन इसमें होते हैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ वॉलेट होते हैं ना इंडिया में पेटीएम या ऐसे, वैसे क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट होते हैं, जो भी क्रिप्टो तो पूरे वर्ल्ड में चलती है, आप भी जानते हो बिटकॉइन, USDT, ये सब चलते हैं, बाकी पेमेंट गेटवे होते हैं जिससे बंदा पेमेंट कर सकता है और ले सकता है, वो कंपनी अपना कुछ सर्टन चार्जेस होती है वो काट के हमें देते हैं। गुजरात पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में 3-4 केस किए हैं, उसमें वो बता रही है कि ये जो पूरा नेटवर्क जो चल रहा है वो पैसे के लेन देन में, ये हवाला रैकेट भी पुलिस बोल रही है कि ये हवाला रैकेट है, कि कुछ फर्जी कंपनी खड़ी कर वो पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं और वो हवाला रूट से भारत से बाहर जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए इसमें ऐसा है कि इस इंडस्ट्री में हज़ारों लाखों लोग हैं, अब इसमें बिना लाइसेंस वाले भी बहुत हैं, हमारे पास तो देखिए लाइसेंस है, हमारी वेबसाइट के नीचे लाइसेंस नंबर तक लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका हम साल का फीस भी भरते हैं यूरोप में, तो ऐसे भी है हमारी इंडस्ट्री में जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है। रही बात हवाला रैकेट की, वो तो क्या है, देखिए पुलिस को खुद नहीं पता है कि इसमें क्या है, जो पूरी तरह से नहीं पता है, तो जब भी किसी को पकड़ते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि इसमें एक्ट कौन सा लगाना है, क्योंकि कोई एक्ट दे नहीं रखा है, तो पहले तो एक्ट कौन सा लगाना है, अब कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 लाइन तो फिक्स है, हवाला रैकेट, मनी लॉन्ड्रिंग, और सबसे फेवरेट, ये पैसा दाऊद को जा रहा है,
कुछ नहीं मिला, दाऊद को भेज दो। जैसे हमारे देश में कहीं भी बम फट गया, अरे किसी के गैस का सिलेंडर फट गया, दाऊद ने फोड़ दिया, पाकिस्तान का हाथ है। बस हमारे देश में एक चीज़ बढ़िया बना के रखी है, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो पाकिस्तान और दाऊद पे डाल दो। अभी एडवाइजरी जाहिर की गई है भारत सरकार ने कि ये जो विज्ञापन आ रहे हैं क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा बैटिंग के, तो वो नहीं प्रकाशित करने चाहिए, उस पर पेनल्टी भी लगाने की उन्होंने जुगवाई की है, मीडिया हाउस या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो उनको प्रकाशित करते हैं। तो अब आपका मार्केटिंग कैसे होगा? जी मार्केटिंग एक्चुअली इसमें हज़ारों तरह का है, बरोबर। मान लो कि गवर्नमेंट ने मना किया, देखो हमारा काम है कि मार्केटिंग के लिए जो एजेंसी होती है हम उसको बोलते हैं कि ये चीज़ आप हमारे लिए करो, अगर वो होती है तो करते हैं, नहीं होती है तो मना करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती है। जैसे बोलते हैं सरोगेट मार्केटिंग, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी की ब्रांड है बैटिंग की, लेकिन अगर उसकी अलाउ नहीं होती है कि भाई यहाँ पे आप नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट के ट्रेन स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, ऐसी बहुत सी जगह पे जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आप बैटिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, गेमिंग करो तो गेमिंग वर्ड यूज़ होता है, या फिर वो लोग बोलते हैं कि सरोगेट यानी मतलब बोलो तो स्पोर्ट्स न्यूज़ की ऐड करो। सेम लाइक बैग पाइपर सोडा, हमें भी पता है बचपन से जब मैं छोटा था तब से कि बैग पाइपर सोडा नहीं होती, बैग पाइपर दारू ही होता है, लेकिन ऐड किसकी चलती है? रॉयल स्टैग प्लेइंग कार्ड। अब प्लेइंग कार्ड रॉयल स्टैग के नहीं आते, रॉयल स्टैग तो क्या होती है पूरे गुजरात को पता है। नहीं बात सही है आपकी, ये जो पूरा जो मामला है ये पुलिस से जुड़ा हुआ है, पुलिस आए दिन कई लोगों को रास्ते से चलते जा रहे हैं, कहीं पान के गल्ले पे खड़े होते हैं या फिर कहीं चाय की टपरी पर खड़े होते हैं तो उनको पकड़ती है और उनके पास से मोबाइल में आईडी मिला है और वो केस करते हैं। तो ये जो केस का जो सिलसिला है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो आप लोगों को ये जो केस हो रहे उससे कोई आपके धंधे पर असर पड़ता है? देखिए हमारे बिज़नेस पर इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी कैसा है कि देखो जैसे इंडिया में करोड़ों लोग गुटखा खाते थे, गुटखा बैन हो गया, अभी भी लोग खा रहे हैं, फ़र्क इतना पड़ा कि अब वो तम्बाकू अलग लेते हैं, सुपारी अलग लेते हैं, डाल के मिला के खाते हैं। तो गेमिंग भी ऐसी चीज़ है, जब मैं इस इंडस्ट्री में नया आया था, मतलब जब मैं खुद फंटर था, तो मैंने देखा कि लोग यहाँ से यूरोप की कोई वेबसाइट पैसे नहीं लेती थी, तो लोग यहाँ से अपने रिश्तेदारों को भेजते थे लंदन ऑस्ट्रेलिया के, यार तुम मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, या फिर वायर ट्रांसफ़र से भेजते थे, कैसे भी करके वो पैसे भेजते थे, तब तो क्रिप्टो करेंसी थी नहीं, तो जिसको खेलना है वो तो खेल ही लेगा कैसे भी करके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात पुलिस की, तो मैंने आपको बताया ना कि जब उनको पता ही नहीं, देखिए आज एक चीज़ हमारे देश में आज से 10 साल पहले शायद मुझे पता है 3 करोड़ पेंडिंग केस थे कोर्ट में, और आप भी जानते हैं हमारे यहाँ इंसान मर जाता है उसका केस नहीं मरता, 20-20, 30-30 साल बाद समझाइए उसके बच्चे तक जाते हैं कोर्ट की तारीख में, इतने केस थे, अब तो शायद 6 करोड़ हो गए होंगे, 10 साल पहले का फिगर है। तो ये होता क्या है, इसका रीज़न सीधा है कि हमारे देश में रोज के मान लो कि 100 केस सोल्व होते हैं और नए 200 दर्ज हो जाते हैं, जिसमें से 190 फालतू होते हैं। आज फाइन लगाओ, जैसे दुबई में बहुत सारे देशों में क्या है फाइन, ये सब छोटी चीज़ें, आप फाइन दो। मान लो कि आप रोड के ऊपर कोई आदमी दारू पी के घूम रहा है, वो पब्लिक के लिए हार्मफुल है तो उसको चलो जेल में डाल दिया, वो ठीक है। कोई आदमी अगर रूम में बैठ के पत्ते खेल रहा है, आपस में चार दोस्त पत्ते खेल रहे हैं, तो आप क्या करते हो, पकड़ के उसको एक दिन जेल में रखते हो, उसको पूरी रात तंग होना है, सुबह उसको कोर्ट में रजू करो, जज की 10-15 मिनट खराब करो, फिर वो केस चलता रहेगा, साल की 6 तारीखें पड़ेगी, उसमें वही रूल कैसे रखें कि 6 लोग साथ में आएंगे तो ही केस चलेगा, नहीं तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चड्डा साहब वाला होता जाएगा। ऐसे करते करते 6 करोड़ में होता क्या है कि इसमें जेन्यून 50 लाख केस होंगे जिनको न्याय की ज़रूरत है, बरोबर, जैक रेप हो गया, मर्डर हो गया, या कुछ भी ऐसे क्राइम कि जिसके लिए जल्दी होना चाहिए, हम फास्ट ट्रैक कोर्टें खोलते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, चोरी के केस, लूट के केस, ऐसे केस होते हैं जो डिज़र्व करते हैं कि वो चलने चाहिए, वो नहीं चल पाते हैं क्योंकि उसके बीच में इस आदमी ने दारू पी के गाली दी, इसने साइकिल चुराई, इस आदमी ने ये किया, अरे ये छोटे छोटे क्राइम है, इसके ऊपर तुम 1,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 जैसा केस, कोई आदमी अगर 2,000 की जुआ खेलते जाता है, पकड़ो सीधा लेके जाओ, 1,000 का फाइन मारो, पैसे जब्त करो, जाने दो। 50 लाख की जुआ पकड़ी जाती है मान लो कोई घर में कि 50 लाख में लोग खेल रहे हैं, आपने वैसे भी देखो 50 लाख की कैश पुलिस स्टेशन पहुँचते पहुँचते तो 25 ही हो जाती है, फिर वो FIR में 10 लाख की हो जाती है, वो जज की कोठरी में पड़ा पड़ा पैसा सड़ता रहता है, लोगों का मुद्दा माल छुड़ाने के लिए मोबाइल सड़ते रहते हैं। उससे अच्छा जितना पैसा पकड़ा गया ऑन द स्पॉट पूरा पैसा जब्त करो और उन सबको 1-1 लाख का फाइन मार के रवाना करो, देश के तिजोरी में पैसा भी आएगा और इस ऐसे ये सारे क्राइम को बोलते हैं हार्मलेस क्राइम, यानी कि समाज को नुकसान नहीं है इससे, 4 लोग 1 रूम में जुआ खेल रहे, समाज का क्या नुकसान हो रहा है मुझे बताओ,
समाज का नुकसान तब हो रहा है जब कोई रेप कर रहा हो, कोई मर्डर कर रहा हो, नकली नोट छाप रहा हो, ठीक है। अब चार आदमी बेचारे पत्ते खेल रहे हैं, चलो आपने इलीगल बोल दिया, ठीक है कि इलीगल है, आप गोवा जाके खेलो, बराबर, फ्लाइट में जाओ, वहाँ उतरो, होटल में रूम लो, वहाँ के कसिनो में खेलो, तो वो लीगल है इसी देश में, सिक्किम में लीगल है, नहीं तो आप नेपाल जाओ, श्रीलंका जाओ, दूसरे देशों की तिजोरी भरो, वो आपको चलता है कि आपका आदमी जाके पैसे बाहर दे रहा है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ऑनलाइन गेमिंग को लीगल कर दें, बंदा घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर तीन पत्ती खेले, जीते हुए पैसों से गवर्नमेंट को कुछ मिले, तो क्या बुरा है इसमें? बात आई आईपीएल की, आईपीएल में आप टिप्स देते हैं, उसके अलावा अन्य मैच जो होती है उसमें भी आप टिप्स देते हैं, आपकी टिप्स काफ़ी करीब होती है जो रिजल्ट आने वाला होता है, तो कैसे आपको ये जानकारी मिलती है? देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस, मेरी सिक्स सेंस और स्टेट्स का जो नॉलेज है, और एक मतलब एक लेवल पे जाके इंसान का एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाता है ना कि उसको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, सिक्स सेंस से और वो स्टडी से, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने अब तक 11 आईपीएल के विनर दिए हैं, स्टार्ट होने से पहले ही मैं देता हूँ, और वर्ल्ड कप के विनर भी दिए हैं, तो ये रिसर्च होती है हमारी कि भाई ये प्लेयर अभी फॉर्म में है या ये कैसा खेलेगा या पास्ट क्या बोलता है या कौन सी टीम का पास्ट कैसा है, इस बार की मैचें किस ग्राउंड पे है, वहाँ की पिचें कैसी रहेगी, तो उसके ऊपर से हमारा 90% एक्यूरेसी रहता है। आईपीएल के बारे में कहा जाता है कि ये जो मैचें होती है आईपीएल की तो ये फिक्स होती है और बुकी इसको ऑपरेट करते हैं। नहीं, ये बात गलत है। बुकी किसी को ऑपरेट ना करता है, ना बुकी कर सकता है, ना ही किसी बुकी की इंडिया में या वर्ल्ड में इतनी औकात है कि आईपीएल जितनी बड़ी लीग को वो कंट्रोल कर सके। लेकिन फिक्सिंग तो कई दशकों से चालू हो रहा है। फिक्सिंग तो क्रिकेट के 90% मैच फिक्स है, मैं आज भी बोलता हूँ। फर्क इतना है कि पीएसएल के अगर मैच हो रहे हैं तो वहाँ के ओनर या वहाँ के बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो उसको चलाने वाले हैं वो करते होंगे, या मान लो कि लंदन में है तो गोरे लोग करते होंगे, तो उसी तरह इंडिया में भी कहीं ना कहीं। देखो, मैं अभी नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर मैच फिक्स होती है या हो रही होगी, बरोबर, समझदार को इशारा काफ़ी है कि जब एक ओवर में 32 आ जाए, 30 बॉल में 25 ना आए, तो समझदार आदमी को सब पता चलता है क्या चल रहा है, सर्कस क्यों चल रहा है, एंड तक चल रहा है, हर मैच 20वें ओवर तक, हर मैच लास्ट बॉल तक क्यों जा रहा है। बात आई पैसों के लेन देन की, जो आपका कारोबार है वो पूरा आंगड़िया सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो आंगड़िया सर्विस को आप किस नज़र से देखते हैं? अगर वो ना होती तो आपके कारोबार को कितनी ठेस पहुँचती? देखिए, आंगड़िया सर्विस ऐसी है जो हमारे देश में ना होती तो कोई बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि आदमी को दवाई का पैसा भेजना हो या कपड़े का पैसा भेजना हो या शेयर बाज़ार का पैसा हो या क्रिकेट का पैसा हो, एट द एंड तो पैसा घूमने के लिए आंगड़िया सर्विस या हवाला सर्विस ज़रूरी है, बरोबर, इसको, और ये तो लीगल भी है, बट ये है कि वो रकम कितनी देते हो, कितनी लेते हो, उनकी मर्ज़ी के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको कैसे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, बट ये है कि ये ज़रूरी है, हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। जो आपकी CBTF कंपनी है वो ये क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा बेटिंग का तो कारोबार करती है, उसके अलावा कौन से कारोबार से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, CBTF एक्चुअली वो है प्रेडिक्शन की वेबसाइट, CBTF.in, और हमारी जो CBTF स्पीड न्यूज़ है, लोगों को नॉलेज देने के लिए CBTF MyTube, मेरा खुद का यूट्यूब भी है CBTF MyTube, जिसके ऊपर गैमलिंग की नॉलेज के वीडियो होते हैं कि जो आदमी गैमलिंग कर रहा है या मान लो कसिनो में जाके जुआ खेल रहा है तो क्या क्या नहीं करना है, उससे बचना कैसे है। और देखो, हमारा तो सीधा हिसाब है, या तो आप खेलो ही मत, हमारी पहली रिक्वेस्ट ये होती है कि मत खेलो, ये बुरी आदत है, लेकिन अगर खेलना है तो आ जाओ, हम आपको सिखाएंगे कि प्रॉपर कैसे खेलते हैं। तो उस तरह का, जैसे बोलते हैं ना पंडित, तो भाई शादी मत करो वो बेस्ट है, लेकिन कर रहे हो तो फिर सातों फेरे में समझ लो कि क्या करना है। जो CBTF फाउंडेशन है वो क्या कर रहा है? CBTF फाउंडेशन एक्चुअली हमने और हमारे 4-5 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि देखो, हम ऑलरेडी चैरिटी तो करते थे छोटी मोटी, लेकिन फिर सोचा कि चलो अभी हमको समाज से इतना कुछ मिला है तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से दोस्त थे जिन्होंने बोला यार हम भी करना चाहते हैं, हम भी, मैं तो एक्चुअली अकेला ही किया था। मेरी CBTF फाउंडेशन की वेबसाइट पे कोई डोनेट बटन नहीं है, ना ही कोई बैंक अकाउंट है, हम पैसे लेते नहीं हैं, ठीक है, हम ठक्कर है, जलाराम बापा के वीरपुर वाला सिद्धांत है, पैसे लेंगे नहीं, जितने हमारे पास है उतने से करेंगे। तो मैंने अकेले स्टार्ट किया तो 4-5-6 दोस्त आ गए, यार हम भी देना चाहते हैं, हम भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो वो लोग जो देते हैं वो रकम भले लाखों करोड़ों में होती है, उससे हम क्या करते हैं जनरली कि किसी को अगर कोई कमज़ोर है पढ़ाई में, उसको पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए, मान लो किसी को दवाई के पैसे नहीं है, किसी का ऑपरेशन कराना है, जैसे अभी रमादान होता है तो रमादान में फूड किट, राशन किट हो गई या फिर टिफिन्स हो गए, उस तरह के, और इंडिया, पाकिस्तान, दुबई तीनों जगह करते हैं,
इवन बांग्लादेश नेपाल भी हमारा नेक्स्ट प्लान है कि वहाँ करेंगे। तो हम हर देश के लिए और हर धर्म के लिए करना चाहते हैं। और भी बहुत तरह के काम हैं, जैसे वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम का भी प्लान चल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये काम चाहे हम कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, ये लीगल है या इलीगल वो तो फ्यूचर ही तय करेगा। एक दो साल में ये पूरी तरह से लीगल हो ही जाएगा, लेकिन उसमें हमको जो मिल रहा है उसमें से कुछ समाज को वापस देना हमारी फर्ज है। तो आप जो ये पैसा कमाते हो, वैसे देखने जाए तो गैर कानूनन धंधे से, यानी जो कायदे के हिसाब से, और ये समाज सेवा में भी आप यूज कर रहे हैं। जिस देश में हमारा लाइसेंस है हम तो वहाँ टैक्स भर रहे हैं, हम अपने स्टाफ को बराबर पगार दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार तो ये बोलती है कि ये गैर कानूनन है, कई लोगों के सामने बोलना है ना, लिखा केस दर्ज किया है, लिखा कहाँ है, लिखा हुआ दिखा दो मैं मान लूंगा। ओके अमित भाई, ओटीटी इंडिया से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। शराब और ड्रग्स की तरह ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा बेटिंग का कारोबार भी डिमांड और सप्लाई के नियम से साथ जुड़ा हुआ है, और इसका भरपूर फायदा क्रिकेट के बुकी उठाते हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पर अरबों खरबों रुपए का टैक्स सरकार ये क्रिकेट सट्टा बेटिंग के नेटवर्क से तिजोरी में डालती है। अब देखना यह है कि भारत सरकार भी इसे कानूनन बनाती है या फिर क्रिकेट करप्शन और क्राइम का यह सिलसिला जारी रहेगा।